क्लेफ्ट लिप का मतलब होता है कि जो बच्चे का ऊपर वाला होंठ है उसमें एक काटा है, और क्लेफ्ट पैलेट का मतलब है कि बच्चे का तालू, मुंह के अंदर का जो तालू होता है उसमें कट होता है, यानी कि तालू सेंटर में से खुला होता है। अब बच्चे में हो सकता है कि सिर्फ ही क्लेफ्ट लिप हो, या ये हो सकता है कि सिर्फ ही क्लेफ्ट पैलेट हो, या ये भी हो सकता है कि दोनों क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, बच्चे में दोनों चीजें ही मौजूद हो। ये क्लेफ्ट लिप और पैलेट बचपन से ही यानी कि जन्म से ही सामने दिखता है, और कई बारी बहुत क्रूप लगता है। इस बीमारी का जो कारण है वो मदर अगर अपनी प्रेगनेंसी के बीच में शराब पीती हैं या सिगरेट पीती हैं या दवाइयाँ कुछ लेती हैं जिनमें कि मिर्गी की दवाई फेनिटोइन शामिल है, या मदर में कुछ विटामिन्स जैसे कि फोलिक एसिड की कमी रहती है, इन सारी चीज़ों की वजह से ये क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की बीमारी बच्चे में हो सकती है। जिन बच्चों को सिर्फ क्लेफ्ट लिप होता है उन्हें आमतौर पे फीडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, पर जिन बच्चों में तालू में डिफेक्ट होता है या क्लेफ्ट पैलेट होता है उन बच्चों में फीडिंग की दिक्कत आ सकती है। उन बच्चों के लिए हम नॉर्मली ये एडवाइस करते हैं कि वो बॉटल से फीड करें या कटोरी चम्मच से फीड करें। जो बॉटल का निप्पल होता है उसकी लेंथ एक्स्ट्रा लंबी होनी चाहिए, या उसका जो छेद है वो ज़्यादा खुला होना चाहिए ताकि बच्चे को उसे सक करने में दिक्कत ना हो। क्लेफ्ट लिप का इलाज ऑपरेशन के अलावा और कुछ नहीं है। क्लेफ्ट लिप का ऑपरेशन हम नॉर्मली 3 से 6 महीने की उम्र पे करते हैं, और क्लेफ्ट पैलेट का ऑपरेशन हम नॉर्मली 9 महीने से 12 महीने की उम्र के बीच में करते हैं। जब हम क्लेफ्ट लिप का ऑपरेशन करते हैं तो उसके साथ में इन बच्चों में आई नाक के डिफेक्ट की यानी कि नेजल डिफेक्ट की प्रॉब्लम जो होती है उसको भी सही कर सकते हैं। पर कुछ बच्चों में जो ये नोज की डिफॉर्मिटी है ये पूरी तरह से पहले ऑपरेशन में ठीक नहीं होती है, और उसके लिए हमें बाद में जाके 3-4 साल की उम्र पे दोबारा ऑपरेशन करके नाक की हड्डी को सीधा करना पड़ता है। क्लेफ्ट पैलेट के ऑपरेशन के बाद बच्चा ठीक ठाक से बोल सकता है, बच्चे के बोलने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है। कुछ बच्चों में क्लेफ्ट पैलेट के ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा नेजल ट्वैंग आ सकता है जिससे कि आपको ऐसे लगेगा कि आवाज़ नाक से आ रही है। अगर ऐसी प्रॉब्लम परसिस्ट करती है तो इन बच्चों का एक और ऑपरेशन करके 3 से 4 साल की उम्र में उसको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। सो ओवरऑल जिस भी बच्चे को क्लेफ्ट लिप या पैलेट है उसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, और ये बच्चे बिल्कुल आगे स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। एक हल्का सा निशान ऊपर के होंठ पे कई बार रह जाता है जो कि आमतौर पर कॉस्मेटिक्स के साथ आराम से छुपाया जा सकता है। अगर आपके बच्चे को ऐसी कोई भी तकलीफ है तो आप आके हॉस्पिटल में बच्चों के सर्जन से मिलिए और इसके लिए सलाह कीजिए।